तो गाइस हमारा अकाउंट तो यार कुछ गलती से टेम्पोरेली ब्लॉक भी हो जाता है, एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम जो भी हमें आ जाती है। लेकिन गाइस इसको आप कंटिन्यू, वो जो मिस्टेक करते हैं यार उस मिस्टेक जो एक्शन ब्लॉक आते हैं, अगर आपको मिस्टेक को अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो गाइस एक्शन ब्लॉक जो परमानेंटली भी हो सकता है, और अगर आपकी अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए कुछ मेथड्स भी है और कुछ जो रीजंस है यार वो सब इस वीडियो में बता दूंगा। पहले आपको ये बता दूंगा गाइस ये एक्शन ब्लॉक क्यों आती है और उसे सॉल्व करनी कैसे है। गाइस इस वीडियो में हम सारा कुछ जान लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस गाइस आपको पहले बता रहा हूँ यार, जो एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम आने की जो मेन रीज़न है गाइस वो है फॉलो एंड अनफॉलो करने से। गाइस ये मेजर रीज़न है यार, बहुत ही मतलब ये बहुत ही बढ़िया रीज़न है। अगर आपकी फॉलो में अगर आपकी एक्शन ब्लॉक हो जा रही है इंस्टाग्राम में तो गाइस ये बड़ी बहुत ही बढ़िया रीज़न है। अगर आप एक ही घंटे में बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हो और अनफॉलो भी मार दे रहे हो, मतलब 200-300 अकाउंट्स को आप फॉलो अनफॉलो फॉलो अनफॉलो ऐसे अगर कर रहे हो तो गाइस इंस्टाग्राम समझ लेगा कि किसको जो सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है क्या आपके अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को एक्शन ब्लॉक भी कर देगी वो भी कुछ घंटों के लिए। अगर आप उसे कंटिन्यू करके रखे हो तो गाइस कुछ दिनों के लिए और कुछ सालों के लिए कर भी देगा। तो आपको ये नहीं करनी गाइस, आप अगर अनफॉलो फॉलो कर रहे हो तो गाइस आपकी एक्शन जो ब्लॉक हो जाएगी। सोल्यूशन जो इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। जो गाइस सेकेंड अब मैं बता रहा हूँ यार, सेकेंड रीज़न ये है कि गाइस लाइक कमेंट्स और DM से। अगर आप किसी प्रोफाइल को ज़्यादा लाइक कर रहे हो, मतलब दो दो घंटे तक तीन घंटे तक आप लाइक ओनली लाइक कर रहे हो, स्पैम कर रहे हो, या किसी के अकाउंट पे जाके आप DM कर रहे हो, मतलब कमेंट्स भी कर रहे हो, कुछ तरीके से भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना यार, इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर लेगा कि गाइस कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है और इसकी जो आपकी जो अकाउंट है उसको एक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो गाइस आपकी एक्टिविटी जो एक्शन ब्लॉक है वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब कम होने की ना ही कोई रीज़न होगी ना कुछ, वो बढ़ता ही जाएगा एक्शन ब्लॉक हो जाने की। अगर आप थर्ड की अगर बात करें तो गाइस थर्ड मतलब जो भी गाइस आप जो कर रहे हो ना, मतलब दूसरी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हो, मतलब फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो या लाइक्स कहाँ से भी वेबसाइट पे लाइक आप ला रहे हो, मतलब इस तरीके से अगर बॉट एक्टिविटी हो जाएंगे ना यार इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम समझ लेगा कि गाइस आपकी जो अकाउंट है वो ऑथेंटिक यूज़र नहीं है, आप कुछ अलग तरीके से इसे यूज़ कर रहे हो। उस तरीके से भी आपकी जो अकाउंट है वो भी तब भी ब्लॉक हो सकती है, मतलब एक्शन ब्लॉक हो सकती है। तो गाइस अब चलिए अब बात करते हैं यार कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से प्रॉब्लम जो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब जो एक्शन ब्लॉक है उसकी अगर सॉल्व करना है। तो गाइस आपको जो भी जब भी आपको मिनिमम फॉलोइंग मतलब एक घंटे में 60 या 40 पीपल से आपको ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, मतलब ज़्यादा अगर फॉलो कर लेंगे तो गाइस एक्शन ब्लॉक आ जाएगा। आपको एक टाइम दे के आपको फॉलो कर लेने, मतलब कंटिन्यू टकाटक 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 आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। एक बंदे को फॉलो कर लिया थोड़ा टाइम और दूसरे बंदे को फॉलो, इस तरीके से अगर करेगी तो गाइस एक्शन ब्लॉक नहीं होगा। इंस्टाग्राम समझ लेगा गाइस ये मैनुअली हो रहा है कि मतलब किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ये नहीं हो रहा है। जो सेकंड की अगर बात करें तो गाइस लाइक्स एंड कमेंट्स की, तो उसी भी सब सेम समझ लो तो गाइस लाइक आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, मतलब एक पोस्ट को लाइक कर दी और दूसरे पोस्ट को थोड़ा टाइम बाद देके और एक लाइक, मतलब तीसरे को भी थोड़ा टाइम देके और एक लाइक, ऐसे इस तरीके से आपको करनी है। मतलब कंटिन्यू अगर करते रहेंगे ना गाइस जो इंस्टाग्राम समझ लेगी गाइस ये कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस तरीके से कर रहे हैं, जब आपकी एक्शन ब्लॉक हो जाएगी। और आपको थर्ड जो सोल्यूशन बता रहा हूँ यार ये बहुत ही मेजर है और इसको बोनस सोल्यूशन भी आप ले सकते हो। आपको सिंपल आपका अकाउंट सेटिंग में जाके आपको सेटिंग्स में ओपन कर लेने, सेटिंग्स में ओपन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट में आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी आपको जाना है, सिक्योरिटी में जाने के बाद पासवर्ड में आपको जाना है गाइस। पासवर्ड में जाने के बाद जो आपकी पासवर्ड जो चेंज कर लेनी है, इसे इंस्टाग्राम समझ लीजिए गाइस ये बंदा इसका प्रोफाइल कोई और यूज़ कर रहा था, इसको इसकी कानों कान की खबर नहीं है, इसीलिए ये बंदा पासवर्ड चेंज कर रहा है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम वो शो सॉल्व हो जाएगी। आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड जनरेट करके आपकी अकाउंट को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन हो जानी है, मतलब आपको सडनली लॉग इन तो नहीं होना है, आपको एक 28 आवर्स तक या 24 आवर्स तक आपको रुकनी है, रुकने के बाद फिर लॉग इन होनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम को सब पता चल जाए कि गाइस इस तरीके बिहेवियर करने की गाइस आपकी जो प्रोफाइल है कोई और यूज़ कर रहा था और आपकी पासवर्ड जो आप चेंज कर लिया। अगर आप बाद में अगर फोर्थ की अगर बात करूँ तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक्शन ब्लॉक के नीचे टेलर्स का जो ऑप्शन आ जाता है उन्हें आपको बताना है कि गाइस कुछ इस तरीके से मैंने मेरे अकाउंट में कुछ एक्टिविटी हो गई थी मुझे भी पता नहीं, और उसे सॉल्व करो बोल के आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ से भी आपको जो हेल्प ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हेल्प पे आप आके रिपोर्ट प्रॉब्लम के ऊपर सर्च करके जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको उन्हें क्लियर कट बताना है कि गाइस
मैंने जो कुछ भी नहीं किया था, कोई और मेरे अकाउंट को यूज़ करके इस तरीके से एक्टिविटी किया गया है, और इसे जल्दी हो सॉल्व करो बोल के आपको लिख देना है, और उसके स्क्रीन शॉट की भी, एक्शन ब्लॉक की जो स्क्रीन शॉट भी है उसे आपको यहाँ पे रख देनी है। इस तरीके से अगर करोगे तो गाइस मेरा गारंटी है गाइस आपकी जो एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम है ज़रूर से 24 आवर्स के अंदर सॉल्व बिल्कुल भी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप इस तरीके से अगर करें तो गाइस बिल्कुल भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस ये जो स्टेप्स थे यार, इसको आप कभी भी सिक्योर से यूज़ कर सकते हो, गलती दोबारा ना करें, गलती को मत दोहराइए, गलती को दोहराएं तो गाइस बहुत ही भारी पड़ेगा और आपके अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है। तो गाइस वीडियो में इतनी था यार, जो मुझे पता था वो आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाइयों, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आपको कभी मिस नहीं होगी। और मिलते हैं यार अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।